खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश भाग्य चक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। आज रविवार है और आज के दिन किस भगवान की पूजन की जाती है, पूजा की विधि क्या है, किस तरीके से आप भगवान की विशेष कृपा पा सकते हैं, भगवान को आप कैसे खुश कर सकते हैं और राशियों पर इसका किस तरीके से प्रभाव पड़ने वाला है, ये सारी चीज़ें बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य प्रमोद मिश्रा जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम। नमस्कार। तो चलिए, चर्चा की शुरुआत करने से पहले ये जान लेते हैं कि आज का पंचांग क्या कहता है। सर्वप्रथम भगवान सूर्य को ध्यान करते हैं क्योंकि आज उनका दिन है, आज उनका दिवस है। भगवान सूर्य नवग्रहों के स्वामी माने जाते हैं, प्रकृति के कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं। यही सूर्य सहस्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या ग्रहाण अर्घ दिवाकर। हे भगवान सूर्य, आप त्रिलोकी पर अपनी रक्षा करते हैं, अपनी किरणों से उनको पालन करते हैं, पोषण करते हैं, आपको हमारा सत सत नमन है। प्रारंभ करते हैं आज के पंचांग के बारे में, क्या कहता है आज का पंचांग। तो आज का पंचांग दिनांक 26 जुलाई 2020 प्रमादि नाम का संवत्सर संबत 2077 शाखा 1942 श्रावण शुक्ल पक्ष दिन रविवार भगवान सूर्य का दिन है। आज षष्ठी तिथि है जो कि सुबह 9:26 तक रहेगी, इसके बाद सप्तमी प्रारंभ हो जाएगी। नक्षत्र हस्त नक्षत्र है, आज दोपहर में 11:34 तक समय रहेगा, इसके बाद में चित्रा प्रारंभ हो जाएगा। सिद्ध योग है जो 11:34 तक रहेगा, इसके बाद साध प्रारंभ होगा। और चंद्रदेवता आज कन्या राशि में है, जो कन्या राशि में रात को 11:49 तक रहेंगे, इसके बाद तुला राशि में पहुंच जाएंगे। भगवान सूर्य कर्क राशि में 11 अंश पर हैं। आज का सूर्योदय 5:39, आज का सूर्यास्त शाम को 7:16 पर रहेगा। आज के राहु काल का समय शाम को 17:34 यानी 5:34 से लेकर के और 7:16 तक रहेगा, जो कि प्रत्येक कार्य के लिए शुभ कार्यों के लिए ठीक नहीं माना जाता। इसमें ध्यान दें, कोई नया कार्य प्रारंभ न करें। आज का अभिजीत मुहूर्त मध्यान्ह काल, यानी हर कार्य शुभ होते हैं, जो भी कार्य आप करना चाहते हैं वो हर कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। समय है दोपहर में 12:10 से लेकर के 1:09 तक। आज का दिशा शूल, आज भूल कर भी या ज्ञान बस पूर्व दिशा में यात्रा बिल्कुल न करें, ऐसा करना कहीं ना कहीं आपके लिए हानिकारक हो सकता है। अगर बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है और यात्रा करनी पड़ रही है तो आप तुलसी पत्र मुंह में रख करके और यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। जी चलिए, तो अब भी आपने जाना कि आज का पंचांग क्या है, अब हम इस चर्चा को शुरू करते हैं। और क्योंकि आज रविवार है तो भगवान सूर्य की उपासना आज के दिन की जाती है, क्या कुछ इसका खास महत्व है, क्योंकि भगवान सूर्य हमें ऊर्जा देते हैं, साथ ही साथ प्रकाश देते हैं। भगवान सूर्य को आत्मा का कारक माना जाता है, साथ ही साथ पिता का प्रतिनिधित्व भी सूर्य ग्रह करते हैं, तो इसके बारे में हम जानते हैं आचार्य जी से। आचार्य जी, सूर्य की महिमा के बारे में ऐसे तो बहुत सारी कथाएं हैं पुराणों में, लेकिन क्या कुछ खास महत्व और सूर्य की आराधना से क्या कुछ विशेष फल प्राप्त होता है? बिल्कुल, भगवान सूर्य त्रिलोकी के स्वामी हैं, तीनों लोगों के राजा हैं और नवग्रहों के कारक हैं। जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य अगर डाउन होता है तो उनके सामाजिक प्रतिष्ठा मान सम्मान में पिता का सुख बहुत कम मिलता है। ऐसी चीज़ें अक्सर अनुभव में ज्योतिष के माध्यम से देखी गई हैं। भगवान सूर्य सप्त घोड़ों पर विराजमान प्रतिदिन प्रातःकाल से उदय होते हैं और सायंकाल अस्त हो जाते हैं, फिर ऐसे ही उनका क्रम बराबर चलता रहता है। और भगवान सूर्य ज्योतिष के माध्यम से एक अंश प्रतिदिन चलते हैं, चलते चलते पूरे महीने में 30 अंश पूरा कर देते हैं। तो ये भगवान सूर्य की एक महिमा अपने आप में है। भगवान सूर्य के परम शिष्य हनुमान जी महाराज हैं, जो कि आपने कथाओं के माध्यम से सुना भी होगा कि बालकाल में लीले होता ही मधुर फल जानू, मधुर फल जान करके भगवान सूर्य को हनुमान जी ने ले लिया था। बाद में भगवान सूर्य ने ही उनको ज्ञान प्रदान किया है और उनकी महिमा अपरंपार बढ़ी है वहीं से। तो भगवान सूर्य की पूजा प्रतिष्ठा किस तरह से करनी चाहिए और क्या करनी चाहिए, यहाँ पर सूर्य के अर्घ का बहुत बड़ा महत्व होता है। और जो सूर्य उपासना करते हैं, जैसे महाभारत में आता है कि जो कर्ण थे, कर्ण सूर्य उपासना करते थे और सूर्य उपासना के माध्यम से उन्होंने बहुत कुछ प्राप्त किया, आज भी उनका नाम जपा जाता है, उनका नाम लिया जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ सूर्य उपासना के माध्यम से ही। सूर्य की उपासना करने से मस्तिष्क की जो किरणें होती हैं वो सूर्य की किरणों से
मिल जाती हैं। तो वहाँ पर जैसे जैसे सूर्य के अंदर प्रकाश है, प्रतिष्ठा है, क्षमता है, वही क्षमता, वही प्रकाश, वही बुद्धि, वही विवेक उस व्यक्ति के अंदर भी आ जाता है। तो ये भगवान सूर्य की महिमा परंपरा है, इसके माध्यम से आप सब लोग भी भगवान सूर्य की पूजा करके अपना कल्याण कर सकते हैं। तो अभी आपने जाना कि भगवान सूर्य की आराधना करने से क्या कुछ प्राप्त होता है और जिनका सूर्य ठीक नहीं होता उनके जीवन में कौन सी परेशानियां होती हैं, इन परेशानियों को दूर करने के लिए क्या कुछ उपाय आपको करने हैं, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि भगवान सूर्य की पूजा आपको करनी कैसे है आचार्य जी, क्योंकि किसी प्रतिमा की पूजा करना जो है उसके विधि विधान में बहुत फर्क होता है। तो भगवान सूर्य की क्योंकि हमें पूजा अर्चना करनी रविवार के दिन, तो कैसे पूजा अर्चना करें, इसका समय क्या हो, कौन सी सामग्री अर्पित करें? बिल्कुल, बड़ा सुंदर प्रश्न आपका है, इसके माध्यम से आपको बड़ा अच्छा उत्तर मिलेगा, जो हमारे दर्शक हैं वो भी संतुष्ट होंगे। भगवान सूर्य की पूजा करने के लिए प्रथम तो यह है कि भगवान सूर्य जब उदय होते हैं, सूर्य उदय से पहले अरुणोदय होता है, सूर्योदय से पहले अरुणोदय यानी जो आसमान में लालरी होती है, अरुण है भगवान सूर्य के सारथी। तो इसलिए जब अरुणोदय काल हो तभी भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। अर्घ प्रारंभ करें गायत्री मंत्र से, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यौनः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र से भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। अर्घ देने के लिए तांबे का पात्र हो, तांबे का लोटा हो, और उस लोटे में एक चुटकी रोली, रोली से रंगा हुआ चावल, दुर्बा, बेलपत्र, लाल फूल, गंगा जल आदि सामग्री डाल करके और एड़ी थोड़ा सा उठा करके भगवान सूर्य को पूरब की तरफ मुँह करके और तीन अर्घ प्रदान करें। पहले अर्घ में थोड़ा सा जल डालते हैं और गायत्री मंत्र का जप करते हैं, दूसरी बार जब अर्घ देते हैं उसी लोटे से तो गायत्री मंत्र का जप करते हुए, तीसरे अर्घ में या तीसरी बार अर्घ देते हैं गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो सारा जल जो है धरती पर छोड़ देते हैं। ध्यान रखें कि धरती पर जहाँ जल गिर रहा है उस स्थान पर कोई गंदगी ना हो, कोई ऐसा कुछ ना हो जहाँ पर वो जल ऐसी अपवित्र अवस्था में गिरे। तो आप कोई टब या बाल्टी या थाली या परात भी रख सकते हैं, या कोई गमला हो तो वहाँ भी आप अर्घ दे सकते हैं। इस विधि से अर्घ देना चाहिए। और यहाँ पर अर्घ देते समय कहते हैं एकाचंड्या रबे सप्ताह त्रिस्रा कार्या विनायके, भगवान सूर्य की सात परिक्रमा की जाती है। तो वहाँ पर जब अर्घ दे दें इसके बाद में लोटे को वैसे हाथ में रखें या साइड में रख दें और वहीं पर जहाँ खड़े हुए साइड में घूमते हुए राइट साइड में घड़ी की तरह सात परिक्रमा करें और मंत्र पढ़ें, यानि कानि च पापानि जन्मांतरिकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। इस तरह प्रार्थना करते हुए भगवान सूर्य को प्रणाम करें, भगवान ये परिक्रमा हम आपकी कर रहे हैं, आप हमारे हृदय भवन में, हमारे मस्तिष्क में विराजमान हो। तो इस तरह से भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। यहाँ पर मंत्र भी है, ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः, या ओम ह्रां का भी आप जप कर सकते हैं, एकाक्षरी मंत्र है। तो इस तरह से जप करते हुए और इस विधि से भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए, ये सामग्री होती है। श्री, तो कैसे आपको भगवान सूर्य की पूजा करना है, क्या विधि है, किन बातों का ध्यान रखना है और किस विशेष पात्र का आपको इस्तेमाल करना है जब आप सूर्य को अर्घ दें, इसके बारे में भी आचार्य जी ने आपको बताया। अब बात राशियों की करेंगे, सबसे पहले शुरुआत मेष राशि से। जी, जो हमारे मेष राशि के दर्शक हैं वो ध्यान दें, आज के दिन अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है जबकि लाभ कम मिलेगा। काम अधिक होने के कारण मेहनत भी आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। संतान की ओर से सुखद समाचार मिलेगा। लिखा पढ़ी के मामलों में आपको लाभ मिलने वाला है। सामाजिक दायित्वों की पूर्ति होगी। आप किसी अनुभवी की सलाह भी ले सकते हैं। आपके मन में रह रहकर पुरानी बातें ही आज गूंजती रहेंगी, घूमती रहेंगी। समय सीमा को ध्यान में रख करके काम करने से चीज़ें अच्छी तरह से पूरी हो जाएंगी। शुभ रंग आसमानी। भाग्यांक 2। उपाय के रूप में हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। क्या न करें, आज किसी भी बुरी आदतों से आपको बचना चाहिए। बात करते हैं अगली राशि यानी भचक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि कहती है कि आज आपका अध्यात्म की ओर रुझान बढ़ने वाला है। इसके आपको इससे संतुष्टि भी मिलेगी, संतोष भी मिलेगा और प्रेम भी आपका अच्छा रहेगा। गहरे विचारों से किसी समस्या का हल निकलेगा। अत्यधिक व्यस्तता के कारण मानसिक तनाव भी महसूस होगा। पारिवारिक जीवन आपका सुखमय रहेगा। धरती माता को आपको प्रणाम करना चाहिए, आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। धैर्यशीलता में वृद्धि होगी। आपके जीवन में किसी नए प्रेम संबंध की शुरुआत भी हो सकती है। कामकाज में आ रही बाधाएं दूर होंगी। शुभ रंग गोल्डन। भाग्यांक 5। उपाय के रूप में अपने कुल देवी की पूजा करें और उनको बताशे का भोग लगाएं। क्या ना करें, आज रात को दही का सेवन नहीं करना चाहिए। बात करते हैं भचक्र की तीसरी राशि यानी मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि कहती है कि निश्चित समय में कार्य पूर्ण करने में परेशानी हो सकती है। बुद्धि कौशल से किया गया कार्य आपका संपन्न होगा। आप कोई बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो आप जरूर शुरू करें।
आपको सफलता मिलेगी, आपका रुका हुआ पैसा भी वापस मिल जाएगा। शत्रुओं से सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। अपने माता पिता का पैर छू करके आशीर्वाद लें, दिन आपका अच्छा गुजरेगा। नौकरी के क्षेत्र में सफलता के योग बन रहे हैं, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिलने की संभावना है। शुभ रंग केसरिया, भाग्यांक 8। उपाय के रूप में भगवान गणेश जी को सिंदूर अर्पित करें, क्या ना करें, व्यापार में यानी शेयर मार्केट में पैसा न लगाएं। बात करते हैं भचक्र की चौथी राशि यानी कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि कहती है कि ऑफिस में मन मुटाव हो सकता है, सोच विचार कर ही काम करें। नौकरी या बिजनेस में कुछ ऐसे काम होने के योग हैं जिनका फायदा आपको आने वाले दिनों में मिलेगा। रिश्तों में निकटता आएगी, जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य मिलेगा। व्यापार व कारोबार के लिए विशेष परिश्रम करना पड़ सकता है। आज राजनीति से जुड़े क्षेत्र में जो लोग हैं उनको भी सफलता मिलने वाली है, साथ ही आपको खूब मान सम्मान मिलेगा। शुभ रंग गुलाबी, भाग्यांक 4। उपाय के रूप में आज चींटियों को कच्चा आटा डालें, क्या ना करें, सीनियर्स के साथ किसी प्रकार का विवाद आपको नहीं करना चाहिए। तो अगर आपकी भी इनमें से कोई एक राशि है तो इन उपायों को कर सकते हैं, सावधानी बरत सकते हैं। और आज का आपका दिन कैसे रहने वाला है इसके बारे में आचार्य जी आपको बता रहे थे। एक बार फिर से हम चर्चा पर लौट रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि रविवार के दिन आप भगवान सूर्य की किस तरीके से पूजा अर्चना करें और किस तरीके से आप कुछ विशेष सामग्री और कुछ छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो चलिए आचार्य जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि उनकी राशि में, उनकी कुंडली में सूर्य दोष होता है या सूर्य कमजोर होता है, जिस वजह से उन्हें उतना मान सम्मान या प्रतिष्ठा नहीं मिल पाती है, साथ ही साथ उन्नति भी नहीं हो पाती है। तो कैसे इस दोष को हम दूर कर सकते हैं और अगर आप कुछ उपाय बताएं तो हमारे दर्शकों के लिए बहुत लाभदायक होगा। बिल्कुल, बड़ा दिव्य प्रश्न है। देखिए, जन्म कुंडली के माध्यम से अगर हम सूर्य की बात करते हैं तो अगर आपका सूर्य राहु के संयोग से पंचम भाव में बैठा हुआ है, पंचम भाव हमारा पुण्य का होता है, पंचम भाव हमारा संतान का होता है, पंचम भाव हमारा प्रेम का होता है, पंचम भाव हमारा विद्या का होता है। अगर सूर्य यहाँ बैठा हुआ है और आंशिक बल से कमजोर है, राहु का संयोग है यानी राहु उसके साथ बैठा हुआ है, या राहु की पंचम सप्तम या नवम दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ रही है तो यहाँ सूर्य में दोष उत्पन्न होगा। अब सूर्य में दोष उत्पन्न होगा तो जो जो चीज़ें सूर्य से कनेक्टेड हैं, संबंधित हैं, उनमें सभी में दोष आएगा। अगर सूर्य इसी कंडीशन में, इसी अवस्था में आपके नवम भाव में बैठा हुआ है, नवम भाव किसका होता है, नवम भाव आपके भाग्य है, नवम भाव आपका धर्म है, नवम भाव आपका भाग्य है, नवम भाव का विकास है, इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो नवम भाव से देखी जाती हैं। तो यहाँ पर अगर सूर्य राहु के संयोग में है, केतु की सप्तम दृष्टि उस पर पड़ रही है तो क्या होगा, यहाँ पर पितृदोष बनता है। यही चीज़ जो है पंचम भाव में भी होती है, यही नवम भाव में होती है। भाग्य में दोष होगा, आप जिस काम में हाथ डालेंगे बिल्कुल आपको असफलता हासिल होती है, आगे बढ़ने में बहुत दिक्कतें आती हैं। तो ऐसे यानी जब भाग्य दोष होगा तो हर कार्य, चाहे विद्या हो, संतान हो, बौद्धिक क्षमता हो, या कोई आय की चीज़ें हो, व्यापार हो, कोई भी चीज़ें हैं, हर तरह से आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। पितृदोष भी बड़े भयानक रूप से यहाँ पर आता है जो कि हर तरह से आपको बाधित कर देता है। तो यहाँ पर सूर्य भगवान की उपासना करनी चाहिए, सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए, ऐसी कंडीशन में पितृदोष का विशेष रूप से निवारण करना चाहिए। ये मैंने आपको बताया लक्षण ऐसे होते हैं। तो इस तरह से कुरुक्षेत्र में या कहीं यमुना किनारे या कहीं ऐसे पीपल के पेड़ के नीचे या कोई बड़े जलाशय के आसपास, वहाँ पर भगवान सूर्य के दोष का निवारण करवाना चाहिए और पितृदोष के लिए नारायण बलि आदि पूजाएँ करवाई जाती हैं, करवाना चाहिए। तो इस तरह से आप जरूर करें। यहाँ पर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना भी बड़ा अच्छा माना जाता है। अगर सूर्य की कंडीशन ऐसी है जो मैंने आपको बताया है तो यहाँ पर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, भगवान सूर्य के अनुष्ठान का जो है पूरा करें, भगवान सूर्य के सहस्त्र नाम स्तोत्र का लाल रंग के चावल से लेकर के भगवान सूर्य की पूजा करें, 1008 नाम से पाठ करें। तो ऐसा करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। अर्क की पूजा करते हैं, अर्क आप जानते होंगे श्वेतार्क होता है, जिसको मदार भी कहते हैं, आका भी कहते हैं, आक भी कहते हैं, आदि नाम से जाना जाता है। तो इसका फूल भगवान सूर्य को प्रिय है और आक के पेड़ की पूजा विशेष रूप से की जाती है सूर्य के दोष के निवारण करने के लिए। तो देखिए, सारे उपाय आप कर सकते हैं और अपने ग्रह को मजबूत कर सकते हैं छोटे छोटे उपायों के जरिए। हम आपको ये बता रहे हैं कि किस तरीके से आप ग्रह दोष को अपनी कुंडली से दूर कर सकते हैं, इसके दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। अब बात एक बार फिर से राशियों की कर लेते हैं। जी, बात करते हैं राशियों की यानी सिंह राशि की। सिंह राशि कहती है कि आज आपका सृजनात्मक प्रवृत्तियों में मन लगा रहेगा, धर्मगुरु या पिता का सहयोग मिलने वाला है,
जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य भी आपको प्राप्त होगा। आपके दाम्पत्य जीवन में निकटता आएगी। मकान खरीदने के योग बनेंगे। व्यवहारिक आइडिया आपके दिमाग में चलता रहेगा। मित्रों के साथ रिश्ते से पहले जो पहले रिश्ते थे वो लगभग खराब थे, लेकिन अब वो बेहतर बनने वाले हैं। आर्थिक निवेश सोच समझ कर करें, अनजान में कोई गलती ना करें। घर में किसी धार्मिक कार्यक्रम का आप आयोजन करवा सकते हैं। जो अविवाहित लोग हैं उनके लिए दिन अच्छा है, कहीं ना कहीं कोई रिश्ता आ सकता है। शुभ रंग लाल। भाग्यांक 1। आज उपाय के रूप में शनि देव को काला कपड़ा चढ़ाएं। क्या ना करें, जीवन साथी के स्वास्थ्य में सावधानी बरतें और ध्यान रखें असावधानी न होने पाए। बात करते हैं भचक्र की छठी राशि कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि कहती है कि आज शुभ घटनाओं के होने का प्रबल योग है। किसी गलतफहमी और दुर्घटना से बचकर रहें। आज तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। सायन सत्ता का शासन का सहयोग रहेगा। यदि आप सावधान नहीं रहेंगे तो कोई बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप किसी सरकारी संस्था में अपना सहयोग दे सकते हैं। किसी घरेलू काम के लिए आप पूरे परिवार के साथ मिल करके बातचीत करेंगे। शुभ रंग भूरा। भाग्यांक 9। उपाय के रूप में शिवलिंग पर गंगा जल का अभिषेक करें। क्या न करें, कभी कोई भी ऐसा गलत कदम आज न उठाएं जिससे आपको बाद में बहुत समय तक पछताना पड़े। बात करते हैं भचक्र की सातवीं राशि यानी तुला राशि के बारे में। तुला राशि कहती है कि घर परिवार में सामान्य माहौल रहेगा। व्यवसायिक प्रयास फलीभूत होने वाले हैं। रचनात्मक कार्यों में आज प्रगति होगी। दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ सकता है। आर्थिक उन्नति रहेगी और समाज में उच्च पद प्रतिष्ठा आप हासिल करेंगे। आपके रिश्तों में दरार पड़ने की संभावना है। प्राइवेट नौकरी करने वालों को अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए, थोड़ा ध्यान देना चाहिए। समय अनुकूल चल रहा है। अपने समय का सदुपयोग करना आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा। शुभ रंग सफेद। भाग्यांक 3। उपाय, भगवान शिव को चमेली के फूल का हार या चमेली का फूल चढ़ाएं। क्या न करें, आज किसी नजदीकी संबंधी से विवाद पैदा न करें। ये विवाद आपके लिए खतरनाक हो सकता है, डेंजर हो सकता है। बात करते हैं भचक्र की आठवीं राशि यानी वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि कहती है आपका धार्मिक कार्य में मन लग सकता है। मित्रों का सहयोग पा करके मन प्रसन्न रहेगा। गुप्त शत्रु कष्ट दे सकते हैं। कारोबार में निवेश करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। आपके कार्य में बदलाव आ सकता है, लेकिन घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आपकी कोई व्यावसायिक परियोजना भी पूरी हो सकती है। धन की प्राप्ति हो सकती है। सेहत का ध्यान रखना आपके लिए बेहद जरूरी है। आप खुद को स्वस्थ महसूस कर सकते हैं। संतान सुख प्राप्त होने का प्रबल योग भी बन रहा है। शुभ रंग ऑरेंज। भाग्यांक 7। उपाय के रूप में भैरव बाबा को बतासे का भोग लगाएं। क्या ना करें, आज किसी अहम फैसले पर आपको तत्काल निर्णय नहीं लेना चाहिए। तो इन राशि के जातक क्या कुछ कर सकते हैं, क्या कुछ सावधानियां रखनी है, क्या आपको बिल्कुल नहीं करना है, इसके बारे में आचार्य जी आपको बता रहे थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद हम आपको ये बताएंगे कि जिनका आज जन्मदिन है उनकी कुंडली क्या कहती है। देखते रहिए भाग्य चक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और भाग्य चक्र में आज हम आपको बता रहे हैं कि रविवार के दिन को खास बनाने के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं, कैसे आप भगवान सूर्य की पूजा कर सकते हैं और उनकी विशेष कृपा पा सकते हैं। बात राशियों की हम कर रहे थे, शुरुआत धनुराशि से। जी, जो धनुराशि के दर्शक हैं वो ध्यान दें। आज धनुराशि कहती है कि पिता से वैचारिक मतभेद होने के आसार नजर आ रहे हैं। नए अवसरों की तलाश में भटकने से बेहतर है कि आप जो कर रहे हैं वही करें और पूरी लगन व ईमानदारी से करें। गृह संबंधी वस्तुओं की प्राप्ति करने में आपको थोड़ी कठिनाई हो सकती है। आज आपको कोई मौका हाथ नहीं लगेगा और कोई अगर अच्छा मौका मिले तो उसको गंवाना भी नहीं चाहिए। अज्ञात भय सताएगा। अनाप शनाप धन खर्च हो सकता है। बदलते मौसम में आपको अपने ऊपर थोड़ा ध्यान देने की विशेष जरूरत है। शुभ रंग हरा। भाग्यांक 6। उपाय के रूप में अनाज का दान करना चाहिए। क्या न करें, आज छुपे हुए शत्रुओं से सावधान रहें, विशेष जरूरी है। बात करते हैं हम भचक्र की दसवीं राशि की यानी मकर राशि। मकर राशि कहती है कि लोग आपका और आपके परिवार का सम्मान करेंगे। किसी चीज में आप फंस सकते हैं, सावधान रहें। व्यवसाय के नए अवसर भी प्राप्त होंगे और नौकरी के अवसर भी मिलने वाले हैं। प्रेम में धोखा मिल सकता है। छोटी छोटी बातों को बेवजह तूल न दें, यानी उसको बढ़ा चढ़ा करके पेश न करें। आज आपकी किस्मत में तेजी में बदलाव होंगे।
दोस्तों के साथ बाहर घूमने फिरने से अभी आपको बचना चाहिए, ऐसा करना आपके लिए ठीक नहीं पड़ेगा। और पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, किसी और से लिया हुआ पैसा वापस करना पड़ेगा, इसके लिए आप पर जोर बन सकता है। शुभ रंग गुलाबी, भाग्यांक 5। उपाय के रूप में आज पानी में लाल चंदन मिला करके भगवान सूर्य को अर्घ दें, ये उपाय आपके लिए बेहतर रहेगा। क्या न करें, किसी भी काम में आलस्य न करें, ध्यान दें। भचक्र की 11वीं राशि क्या कहती है, यानी कुंभ राशि, आज आपके द्वारा लिए गए कुछ फैसले फायदेमंद हो सकते हैं। आपको भाइयों का भरपूर सहयोग और सानिध्य प्राप्त होने वाला है। आर्थिक पक्ष आपका बहुत अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा। रिश्तों के मामलों में आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपको किसी प्रोजेक्ट के लिए किसी अनुभवी आदमी से मदद भी मिलेगी। खराब भाषा के इस्तेमाल से बचना चाहिए। कुटुंबों से न उलझन, यानी परिवारजनों से कोई बात अगर होती है तो उलझन पैदा न करें। हर तरह से स्थिति आपके पक्ष में ही रहने वाली है। ध्यान लगाने से मानसिक शांति मिलेगी। शुभ रंग सिल्वर, भाग्यांक 5। उपाय के रूप में ठाकुर जी को, यानी सालिग्राम भगवान को 5 तुलसी के पत्ते चढ़ाएं। क्या ना करें, आज आंख बंद करके किसी व्यक्ति पर विश्वास या भरोसा बिल्कुल न करें। बात करते हैं हम भचक्र की अंतिम और 12वीं राशि, यानी मीन राशि के बारे में। मीन राशि कहते हैं कि आज पुराने निवेशों के चलते आय में बढ़ोतरी नजर आ रही है। ऑफिस के कार्यों में सावधानी बरतने की जरूरत है। व्यवसाय करने वालों के लिए समय बहुत ही अच्छा है। क्रोध पर संयम रखें, कुछ कार्यों में सफलता न मिलने के कारण निराशा हो सकती है। जो लोग स्वास्थ्य से जुड़े हैं, सेवाओं से जुड़े हैं, उन्हें कार्य क्षेत्र में कोई अवार्ड मिल सकता है। घोर पराक्रमी बने रहेंगे तो अच्छा रहेगा। जो भी सोचा है उसे कार्य रूप देना आपके लिए ठीक रहेगा। बेरोजगारों के लिए आज दिन खास है। शुभ रंग पीला, भाग्यांक 9। उपाय के रूप में माँ दुर्गा को गुड़हल का फूल चढ़ाएं। क्या ना करें, आज अधिक धन खर्च करने से आपको बचना चाहिए। तो भाग्य चक्र में ये तो बात हुई राशियों की, अब आपको बताते हैं कि जिनका आज जन्मदिन है उनकी कुंडली क्या कहती है, उनके लिए शुभ रंग, शुभ अंक और विशेष उपाय क्या है, इसके बारे में आचार्य जी से जानेंगे। आचार्य जी, जिनका आज जन्मदिन है उनका किस तरीके का स्वभाव होता है, क्या उनके लिए विशेष रंग और अंक है? बिल्कुल, देखिए, जिनका आज जन्मदिन है यानी 26 तारीख को जिनका जन्म होता है, जिनका मूलांक 8 होता है। यह ग्रह जो है 8 नंबर भगवान शनि देव का जो है रूप है, और ये शनि से ही संचालित होता है। हर दिन जन्मे व्यक्तियों के अपने अपने रूप होते हैं, स्वभाव होते हैं, लेकिन आज के दिन जो व्यक्ति जन्म लेते हैं 26 तारीख को, वो धीर, गंभीर, पराक्रमी और कर्मठ होते हैं। आपकी वाणी कठोर सा, स्वर उग्र होता है। आप भौतिकवादी होते हैं, आप अद्भुत शक्तियों के स्वयं मालिक होते हैं। आप अपने जीवन में जो भी कुछ करते हैं उसका एक मीनिंग होता है, उसका एक मतलब होता है, और वो कुछ संसार को आप देखे जाते हैं। आपके मन की थाह पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। आपको अत्यंत संघर्ष और सफलता मिलती है। कई बार आपके कार्य का श्रेय दूसरे रूप ले जाते हैं। आपके लिए शुभ दिनांक हैं वो 8, 17 और 26 हैं। शुभ अंक आपके जीवन में जो काम करने वाले हैं 8, 17, 26, 35 और 44 हैं। शुभ वर्ष 2021, 2024, 2035, 2049, 2042, 2049, 2051 और 2055 के रूप में है। इष्ट देव आपके हनुमान जी महाराज और शनि देव हैं। आपका शुभ रंग काला, गहरा नीला और जामुनी है। आज मैं यही बताऊंगा कि आपका पूरा वर्ष किस तरह बीतने वाला है। सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। जो अभी तक बाधित हो रहे थे वह सफल होंगे। व्यापार व्यवसाय की स्थिति आपकी बहुत ही उत्तम रहने वाली है। नौकरी पेशा व्यक्ति प्रगति पाएंगे। बेरोजगार प्रयास करें तो रोजगार पाने में सफल रहेंगे। शत्रु वर्ग प्रभावहीन होंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि समय आपका अनुकूल रहेगा। राजनीतिक व्यक्ति भी सदुपयोग करके समय का लाभान्वित होंगे। चलिए, तो आज जिनका जन्मदिन है उनका ये साल कैसे रहने वाला है और क्या कुछ खास उनके लिए साल में, इसके बारे में आचार्य जी अब आपको बता रहे थे। अब हम बात करेंगे विशेष उपाय के बारे में। भाग्य चक्र में हम आपको विशेष उपाय बताते हैं जिससे आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो आज का विशेष उपाय क्या है आचार्य जी? जी बिल्कुल, आज का विशेष उपाय एक दिव्य है, भगवान सूर्य से संबंधित है। आज भगवान सूर्य को मान सम्मान की प्राप्ति के लिए, धन वैभव की प्राप्ति के लिए और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान सूर्य को ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र से भगवान सूर्य को अर्घ दें और उनको दंडवत प्रणाम करें। ऐसा करने से, जो मैंने बताया आपको, कि हर तरह से आपकी प्रगति होती है, ये उपाय आपके लिए बेहद खास और बेहतरीन रहेगा। तो इस विशेष उपाय को आप जरूर करें। अगर आपका सूर्य कमजोर है तो इसके बाद आप अपने ग्रह को मजबूत कर सकते हैं कुंडली में और मान सम्मान पा सकते हैं। आचार्य जी, बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए।
फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी।